हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास ट्वेल्थ। क्लास ट्वेल्थ है, एक्सरसाइज हमारी 1.4। एक्सरसाइज 1.4 में हम पढ़ेंगे बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन में हमारे पास क्या क्या है? एक तो हमारे पास आएगा कॉम्यूटेटिव, एक आएगा एसोसिएटिव। कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव आपने पहले भी पढ़ रखा है, तो बहुत पीछे से हम पढ़ते आ रहे हैं कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव के बारे में 7th-8th क्लास से। तो आज हम पढ़ेंगे स्टार, जो बाइनरी ऑपरेशन है उस पर कैसे कॉम्यूटेटिव निकालते हैं और कैसे एसोसिएटिव निकालते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डिटरमाइन वेदर और नोट ईच ऑफ द डेफिनेशन ऑफ स्टार गिवन बिलो। गिवन गिव्स ए बाइनरी ऑपरेशन, आपको एक बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है और क्या दे रखा है उसके लिए डेफिनेशन दे रखी स्टार की। इन द इवेंट दैट स्टार इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन, और ये बताना है कि स्टार है जो वो एक बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं। जस्टिफाई योर आंसर फॉर जस्टिफिकेशन, गिवन जस्टिफिकेशन फॉर दिस, इसके लिए हमें सॉल्व करके दिखाना है कि है या नहीं। फर्स्ट है ऑन जेड पॉजिटिव। जेड पॉजिटिव मीन्स जितने भी हमारे पास इंटीजर्स हैं वो सभी पॉजिटिव, नेगेटिव इंटीजर्स नहीं है हमारे पास यहाँ। डिफाइन स्टार बाय ए स्टार बी। ए स्टार बी जब हमने अप्लाई किया तो उसका मीनिंग क्या है? जब भी स्टार लग गया तो उसका मीनिंग है ए माइनस बी। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखो, ऑन जेड, जेड के अंदर जेड पॉजिटिव में क्या क्या डिजिट होंगे? 1, 2, 3 अप टू इन्फिनेटिव तक हमारे पास सभी पॉजिटिव नंबर्स आएंगे। तो हमारे पास क्या दे रखा है कि ए स्टार बी है वो किसके इक्वल है? ए माइनस बी के इक्वल। तो यहाँ पर एलिमेंट लेंगे, ए की वैल्यू मैंने 1 ले ली, बी की वैल्यू मैंने 3 ले ली, तो ए माइनस ए 1 हो गया, बी 3 हो गया, और ऑपरेशन लगाएंगे ए स्टार बी इज इक्वल टू। अब ए स्टार बी का माइन क्या था? ए माइनस बी था इसका मीनिंग। तो हमारे पास ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 3 है, तो 1 माइनस 3 क्या आया? माइनस 2। बट जो माइनस 2 है वो तो जेड पॉजिटिव में नहीं है, तो इट मीन्स नॉट बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। सो ऑपरेशन स्टार इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड पॉजिटिव। तो हमारे पास जो ये ऑपरेशन दिया हुआ है, ये बाइनरी ऑपरेशन जेड पॉजिटिव पे एप्लीकेबल नहीं है, बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। सेकंड है हमारे पास ऑन जेड पॉजिटिव, डिफाइन स्टार बाय ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी। अब हमारे पास ए स्टार बी का मीनिंग क्या दे रखा है? ए बी, दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई। ऑन जेड पॉजिटिव, जेड पॉजिटिव में क्या आएंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स 1, 2, 3 अप टू इन्फिनेटिव। ए स्टार बी का मीनिंग क्या है? ए बी, ए की वैल्यू 2 रख ली, बी की वैल्यू 4 रख ली, हम इसमें से कोई भी वैल्यू रख सकते हैं ए और बी की। देन ए स्टार बी, ए स्टार बी करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 × 4, 2 × 4 कर दिया 8 होता है, और 8 है वो जेड पॉजिटिव में बिलोंग करता है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? सो ऑपरेशन स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन। हमारे पास जो स्टार ऑपरेशन वो कैसा है? एक बाइनरी ऑपरेशन है ऑन जेड पॉजिटिव के लिए। नेक्स्ट है ऑन आर। ऑन आर मीन्स रियल नंबर्स पर। डिफाइन स्टार, स्टार डिफाइन करेंगे बाई ए स्टार बी इज इक्वल टू, ए स्टार बी हमें क्या दे रखा है? ए बी होल स्केयर, ए एज इट इज रहेगा और बी का स्केयर दे रखा ओनली। अब देखो ऑन आर, आर हमारे पास क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर, एंड ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी स्केयर। ए की वैल्यू मैंने 5.2 ले ली, क्योंकि हमारे पास रियल नंबर है, तो रियल नंबर में हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव कैसी भी वैल्यू ले सकते हैं, इसलिए मैंने ए की वैल्यू क्या ले ली? 5.2। बी की वैल्यू मैंने 3 ले ली, देन ए स्टार बी क्या आ जाएगा? 5.2, और बी हमारे पास 3 है, 3 का स्केयर हो जाएगा। 5.2 एज इट इज, 3 का स्केयर 9 आ जाएगा, और इनकी मल्टीप्लाई आ जाएगी 36.8, जो कि बिलोंग करता है रियल नंबर से, क्योंकि ये भी तो एक रियल नंबर है। तो क्या बोलेंगे? सो ऑपरेशन स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए आर। ऑपरेशन स्टार है वो बाइनरी ऑपरेशन है किस पर? रियल नंबर्स पर। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ, ऑन जेड पॉजिटिव। जेड पॉजिटिव में डिफाइन करना है स्टार बाय ए स्टार बी इज इक्वल टू मोड ऑफ ए माइनस बी। ए स्टार बी दे रखा है और उसका मीनिंग क्या है? मोड ऑफ ए माइनस बी ऑन जेड पॉजिटिव। जेड पॉजिटिव में क्या आएंगे? 1, 2, 3 अप टू इन्फिनेटिव। ए स्टार बी का मीनिंग है ए माइनस बी का मोड। ए की वैल्यू 3 पुट कर ली, बी की वैल्यू 7 पुट कर ली, कोई भी वैल्यू अप्लीकेबल कर सकते हैं हम। देन ए स्टार बी इज इक्वल टू मोड ऑफ 3 − 7। मोड ऑफ 3 − 7 क्या आ जाएगा? −4। बट −4 का जब हम मोड करेंगे तो वो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, तो क्या आया? 4। और 4 है वो बिलोंग करता है जेड पॉजिटिव में, इन नंबर्स में आएगा हमारे पास 4, तो क्या बोल देंगे? सो ऑपरेशन स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन। की हमारे पास जो ऑपरेशन स्टार है वो क्या है? एक बाइनरी ऑपरेशन है ऑन जेड पॉजिटिव के लिए। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ,
ऑन जेड पॉजिटिव डिफाइन स्टार बाय ए स्टार बी इज इक्वल टू ए। अब हमारे पास क्या दे रखा है, हमें स्टार को दिखाना है डिफाइन करके, और ए स्टार बी का मीनिंग क्या है, ए ए मीन्स फर्स्ट नंबर है जो हमारे पास। ऑन जेड पॉजिटिव इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू इन्फिनेटिव ले लेंगे। ए स्टार बी का मीनिंग क्या है, ए है हमारे पास और ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 एक ए बी। ए स्टार बी का मीनिंग हमारे पास क्या है, ए बी। अगर ए बी का मीनिंग है तो हम अप्लीकेबल करके दिखा देंगे, ए की वैल्यू मैंने 5 ले ली, बी की वैल्यू 7 ले ली, ए स्टार बी क्या आ जाएगा, इनके मल्टीप्लाई आ जाएगी 5 7 जै 35 जो कि बिलोंग करता है जेड पॉजिटिव से और बिलोंग करता है तो हम क्या बोल देंगे, सो ऑपरेशन स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड पॉजिटिव के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फॉर ईच बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइन ग्लो डिटरमाइन वेयर स्टार इज कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। अब हमें बताना है जो भी आपको ऑपरेशन दे रखा है स्टार ऑपरेशन कि ये कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव है या नहीं। फर्स्ट है ऑन जेड, जेड इंटीजर्स पर दे रखा है, डिफाइन ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। ए स्टार बी किसके इक्वल दे रखा है, ए माइनस बी के इक्वल। फॉर कॉम्यूटेटिविटी, कॉम्यूटेटिविटी के लिए क्या होता है कि ए अगर हम स्टार पे अप्लीकेबल कर रहे हैं तो ए स्टार बी किसके इक्वल आना चाहिए, बी स्टार ए के इक्वल आना चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो फंक्शन कॉम्यूटेटिव आ जाएगा। तो अप्लीकेबल करके दिखाते, ए स्टार बी इज इक्वल टू, स्टार का मीनिंग क्या है, ए माइनस बी, एंड बी स्टार ए, बी स्टार ए निकाला तो इसका मीनिंग क्या आ जाएगा, बी माइनस ए। इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। बट ये तो हमारे पास नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये ए स्टार बी के इक्वल नहीं है, और इक्वल नहीं है तो नॉट ए कॉम्यूटेटिव। नेक्स्ट है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में हमारे पास कंडीशन क्या होती है, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी क्लोज स्टार सी। ये कंडीशन होनी चाहिए हमारे पास सेटिस्फाई। सबसे पहले हमने लिया ए स्टार बी स्टार सी, अब ए स्टार को एज इट इज रख दिया, बी स्टार सी का मीनिंग क्या आ जाएगा, बी माइनस सी। फिर इसके ऊपर भी ऑपरेशन लगाएंगे कि अब इसके ऊपर ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन है, तो क्या लगाएंगे, ए माइनस सेकेंड, सेकेंड क्या है, बी माइनस सी, तो माइनस को अंदर लेके गए, ए माइनस बी प्लस सी। दूसरी साइड हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्टार बी ब्रैकेट क्लोज स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी का मीनिंग ए माइनस बी स्टार सी। अभी क्या करते हैं, हम फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करते हैं तो ए स्टार बी एज इट इज और माइनस सी कर देंगे, बट ये हमारे पास प्लस सी ही, ये माइनस सी, तो क्या आ जाएगा, नॉट ए एसोसिएटिव। सो द ऑपरेशन स्टार इज नाइदर कॉम्यूटेटिव नॉर एसोसिएटिव। नेक्स्ट है सेकेंड ऑन क्यू, क्यू हमारे पास नंबर्स दे रखे हैं, डिफाइन ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी प्लस 1। क्यू हमारे पास कैसे नंबर है, रैशनल नंबर्स है हमारे पास। अब कॉम्यूटेटिविटी के लिए क्या देखते हैं, ए स्टार बी इज इक्वल टू, ए स्टार बी का मीनिंग क्या है, ए बी प्लस 1, एंड बी स्टार ए, बी स्टार ए का मीनिंग क्या हो जाएगा, बी ए प्लस 1 हो जाएगा। अब ए बी प्लस 1 और बी ए प्लस 1 दोनों इक्वल हैं तो क्या लिख देंगे कि ये पूरा का पूरा किसके इक्वल हो गया, ए स्टार बी के इक्वल। फॉर एसोसिएटिविटी, ए स्टार बी स्टार सी, पहले इसके ऊपर अप्लीकेबल किया तो इसका मतलब ए स्टार, इस पर अप्लीकेबल किया तो क्या आया, बी सी प्लस 1। फिर जब इस पर भी स्टार अप्लीकेबल कर दिया तो हम क्या करते हैं कि दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई, दोनों नंबर्स क्या, ए मल्टीप्लाई बी सी प्लस 1, और प्लस का 1 लगा दिया अलग से। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, ए बी सी, ए की और 1 की प्लस ए आ जाएगा और प्लस 1। दूसरा हमारे पास राइट हैंड साइड है, ए स्टार बी क्लोज स्टार सी, ए स्टार बी को क्या लिख देंगे, ए बी प्लस 1 लगा देंगे, और इसके साथ फिर से स्टार है तो इट मीन्स इनकी मल्टीप्लाई प्लस 1। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ए बी सी प्लस सी प्लस 1, लेकिन यहाँ ए है यहाँ सी आ गया तो नॉट इक्वल है, तो क्या बोल देंगे कि सो द ऑपरेशन स्टार इज कॉम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव। जो को स्टार है वो कॉम्यूटेटिव बट एसोसिएटिव नहीं है। नेक्स्ट है थर्ड, फोर ऑन क्यू, डिफाइन ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी बाई 2। हमें ये दे रखा है कि ए स्टार बी है वो किसके इक्वल है, ए बी बाई 2 के इक्वल। फॉर कॉम्यूटेटिविटी, कॉम्यूटेटिविटी के लिए ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बी बाई 2, एंड बी स्टार ए क्या आ जाएगा, बी ए बाई 2। अब ए बी बाई 2 लिखो या बी ए बाई 2 लिखो, दोनों इक्वल हैं तो क्या बोल देंगे कि दोनों हमारे पास इक्वल आ गए, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। फॉर एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी के लिए क्या करते हैं, ए स्टार ब्रैकेट बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी को अप्लाई कर दिया, बी सी बाई 2 आ जाएगा इज इक्वल टू, जब इस पर अप्लीकेबल कर दिया तो पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई बाई 2,
तो क्या आ जाएगी, ए बी सी बाई टू और डिवाइडेड बाई टू, ए बी सी बाई टू टू जा फोर। दूसरा हमारे पास क्या है, ए स्टार बी स्टार सी। अब फर्स्ट पे लगाया तो ए बी बाई टू स्टार सी, अब सेकंड पे लगा दिया तो हमारे पास पहले इन पूरे की मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगी, ए बी सी बाई टू और पूरे के डिवाइड में टू, ए बी सी और टू टू जा फोर। तो हमारे पास दोनों इक्वल आ गए, इक्वल आ गए तो हम क्या बोल देंगे, ऑपरेशन स्टार इज कॉमिटेटिव एंड एसोसिएटिव, कि हमारे पास जो ऑपरेशन दे रखा है वो कॉमिटेटिव भी है और एसोसिएटिव भी है। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ, ऑन जेड डिफाइन ए स्टार बी इज इक्वल टू टू की पावर ए बी। हमारे पास एक ऑपरेशन दे रखा है ए स्टार बी, ए स्टार बी का मीनिंग क्या है, टू की पावर ए बी। फॉर कॉमिटेटिविटी ए स्टार बी इज इक्वल टू टू की पावर ए बी, बी स्टार ए क्या आ जाएगा, टू की पावर बी ए। अब टू की पावर ए भी लिखो या टू की पावर बी ए लिखो, दोनों इक्वल हैं तो क्या बोल देंगे, कॉमिटेटिव है हमारे पास। फॉर एसोसिएटिव, एसोसिएटिव के लिए जब करते हैं तो ए स्टार बी स्टार सी, इट मीन्स ए स्टार और इसका मीनिंग क्या आ जाएगा, टू की पावर बी सी आ जाएगी। अब जब फिर से हम अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है कि इस पूरे को जो भी हमारे पास दे रखा है उसको पूरे को टू की पावर में लिखते हैं, टू की पावर ए मल्टीप्लाई टू और इसकी पावर क्या है, बी सी, ये आ जाएगा हमारे पास। फॉर दूसरा हमारे पास क्या है, ए स्टार बी स्टार सी, इसको हमने क्या लिख दिया, ए स्टार बी कर दे टू की पावर ए बी स्टार सी, तो इसको हम लिख देंगे टू की पावर ए बी। और जब हमारे पास इसके ऊपर स्टार लगा रखा है सी, तो इसका मीनिंग क्या आ जाएगा, टू की पूरे की पावर आएगा, टू की पावर। और फंक्शन हमारे पास क्या है, एक तो हमारे पास क्या है टू की पावर ए बी और दूसरा क्या है हमारे पास सी, लेकिन ये दोनों तो इक्वल नहीं, इसमें तो मल्टीप्लाई ए था इसमें मल्टीप्लाई सी है, तो नॉट इक्वल आ जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, ऑपरेशन स्टार इज कॉमिटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव, कॉमिटेटिव है बट एसोसिएटिव नहीं है। नेक्स्ट है फिफ्थ, ऑन जेड डिफाइन ए स्टार बी इज इक्वल टू ए की पावर बी। फॉर कॉमिटेटिविटी ए स्टार बी इज इक्वल टू ए की पावर बी एंड बी स्टार ए इज इक्वल टू बी की पावर ए। अब ये तो इक्वल नहीं है, एक तो ए की पावर बी है एक बी की पावर ए है, तो क्या आ जाएगा, ए स्टार बी नॉट इक्वल टू बी स्टार ए। फॉर एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी के लिए क्या है, ए स्टार ब्रैकेट बी स्टार सी। अब ए स्टार एज इट इज, बी स्टार सी को क्या लिख देंगे, बी की पावर सी। अब इसको पूरे को जब हम करेंगे तो क्या लिखते हैं कि फर्स्ट की पावर में लिखते हैं हम, तो फर्स्ट हमारे पास ए है और उसकी पावर कितना हो जाएगा, सेकंड, सेकंड हमारे पास क्या है, बी की पावर है सी। अब दूसरा हमारे पास क्या है, ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी को हमने लिख दिया ए की पावर बी स्टार सी। अब जब इसको अप्लीकेबल करते हैं तो फर्स्ट को एज इट इज रख दिया ए की पावर बी और इस पूरे की पावर में क्या लिखना है, सी। इस सी को मल्टीप्लाई की बजाय ऐसे लिख देंगे और जब इसको ऐसे लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो क्या लिखेंगे, ए की पावर बी सी। सो द स्टार ऑपरेशन इज नाइदर कॉम्यूटेटिव नॉर एसोसिएटिव, क्योंकि ये क्या है, ए की पावर बी, बी की पावर सी, और ये क्या है, ए की पावर बी, पूरे की पावर सी। ठीक है, अलग अलग आ गया हमारे पास। नेक्स्ट है सिक्स्थ, ऑन आर रियल नंबर दे रखा है, किसको नेग्लेक्ट करके, माइनस वन को छोड़ के सभी रियल नंबर्स। डिफाइन ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बाई बी प्लस वन। फॉर कॉम्पिटिटिविटी ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बाई बी प्लस वन एंड बी स्टार ए क्या आ जाएगा, जो फर्स्ट है वो ऊपर आएगा हमारे पास, तो बी स्टार ए क्या आ जाएगा, बी बाई ए प्लस वन। ये दोनों तो इक्वल नहीं है, तो क्या लिख देंगे, स्टार बी नॉट इक्वल टू बी स्टार ए। फॉर एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी के लिए ए स्टार ब्रैकेट बी स्टार सी, ए स्टार एज इट इज, बी स्टार सी क्या आ जाएगा, बी बाई सी प्लस वन। अब जब इन दोनों के ऊपर करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट को ऊपर रखते हैं तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, ए डिवाइडेड बाई सेकेंड, जो उसमें प्लस वन कर देंगे तो सेकेंड क्या है, बी बाई सी प्लस वन प्लस वन। एलसीएम ले लेंगे, सी प्लस वन आ जाएगा हमारे पास और ऊपर लेके जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा, बी प्लस सी प्लस वन। इसी तरह ए स्टार बी पहले अप्लीकेबल कर दिया तो क्या आ जाएगा, ए बाई बी प्लस वन, फिर स्टार सी इसके ऊपर अप्लाई कर दिया तो फर्स्ट एज इट इज रखना, ए बाई बी प्लस वन डिवाइडेड बाई सेकेंड प्लस वन कर देंगे, सी प्लस वन। और ये पावर ये है, जब इसको लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगी, क्या आ जाएगा, ए बाई बी प्लस वन इंटू सी प्लस वन। बट ये तो दोनों इक्वल नहीं है, नहीं इक्वल हैं तो क्या आ जाएगा, ऑपरेशन स्टार इज नाइदर कॉम्यूटेटिव नॉर एसोसिएटिव, जो ऑपरेशन स्टार है वो ना कॉम्यूटेटिव और ना ही एसोसिएटिव है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर थ्री, कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन प्रो। हमारे पास एक बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है प्रो, ऑन द सेट, किस सेट पर, वन टू थ्री फोर फाइव।
डिफाइन बाई ए प्रो बी, इसका मीनिंग क्या है कि मिनिमम ऑफ ए बी, इस जब हमें प्रो अप्लाई करना है जैसे स्टार ऑपरेशन अप्लाई करते थे वैसे ही प्रो को अप्लीकेबल करेंगे, हमें कंडीशन दे ही रखी है कि इसका मीनिंग क्या है, ए प्रो बी क्या आ जाएगा, मिनिमम ऑफ ए एंड बी, राइट द ऑपरेशन टेबल ऑफ द ऑपरेशन प्रो, इसके ऑपरेशन टेबल बनानी है हमें। अब देखो सेट ए के अंदर क्या दे रखा है, 1 2 3 4 5, डिफाइन बाई ए स्टार बी इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ ए बी, इसको हम लिख देंगे मिनिमम ऑफ ए एंड बी, हमने अप्लीकेबल कर दिया स्टार, इधर भी हमने 1 2 3 4 5 डिजिट लिख लिया, इधर भी 1 2 3 4 5। अब देखो फर्स्ट से फर्स्ट पे अप्लीकेबल क्लिक कर दिया 1 प्रो 1, अब इन दोनों में हमारे पास मिनिमम क्या है, 1 आ गया। फिर हमने सेकंड से अप्लाई किया 2 प्रो 1, 2 प्रो 1 भी कितना आएगा 1, क्योंकि मिनिमम 1 है दोनों में, 3 प्रो 1, इनमें भी मिनिमम क्या आएगा 1 आएगा, 4 प्रो 1, ये भी 1, 5 प्रो 1 1। उसके बाद नेक्स्ट के लिए अप्लीकेबल करते हैं 1 प्रो 2, इनमें अप्लीकेबल कर दिया तो मिनिमम कौन है 1, 2 प्रो 2, इनमें मिनिमम कौन आएगा 2, और 3 प्रो 2, इनमें मिनिमम 2 आ जाएगा, 4 और 2 में मिनिमम 2, 5 और 2 में मिनिमम 2 आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट 3 पे आ गए, 1 और 3 में मिनिमम 1, 2 और 3 में मिनिमम 2 आ जाएगा, 3 और 3 में मिनिमम 3, 4 और 3 में मिनिमम 3 आ जाएगा, 5 और 3 में मिनिमम 3, इसी तरह से हम 4 और 5 के लिए बना लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट 1 2 3 4 5 गिवन बाई द फॉलोइंग मल्टीप्लीकेशन टेबल, एक मल्टीप्लीकेशन टेबल दे रखी है आपको और उसमें से हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, कैसे कॉम्यूट 2 स्टार 3 स्टार 4 एंड 2 स्टार 3 स्टार 4, 2 स्टार 3, सबसे पहले देखते हैं 2 स्टार 3, 2 हमारे पास ये आ गया स्टार और फिर 3, यहाँ पे क्या है 1 है, 2 स्टार 3 किसके इक्वल है 1 के इक्वल है, तो 2 स्टार 3 क्या आया 1, और 3 स्टार 4 है वो क्या है 3 स्टार 4, ये भी कितना है 1 दे रखा है तो ये भी 1 आ गया। अब अप्लीकेबल करो, 2 स्टार 3 कितना था 1 और स्टार 4 लगा रखा है, तो 1 स्टार 4 क्या आ जाएगा 1 की 4 के साथ स्टार लगाया तो क्या आया 1 इज इक्वल टू 1 आ गया। दूसरा क्या था 2 स्टार 3 स्टार 4, 2 स्टार एज इट इज 3 स्टार 4 क्या था 1, तो 2 स्टार 1 क्या आएगा 2 स्टार 1 क्या आ जाएगा 1, ये भी हमारे पास 1 आया। नेक्स्ट है इज स्टार कॉम्यूटेटिव, क्या स्टार कॉम्यूटेटिव है, कोई भी एक एग्जांपल लेके बता देंगे, जैसे 2 स्टार 3 कितना आया 1 आया, फिर इसका उल्टा कर देंगे 3 स्टार 2, ये भी कितना आ जाएगा 1, तो क्या लिख देंगे 2 स्टार 3 इज इक्वल टू 3 स्टार 2 एंड अदर एलिमेंट्स ऑफ द गिवन सेट, हेंस द ऑपरेशन इज कॉम्यूटेटिव, अदर एलिमेंट्स से भी हम इसको चेक करके देख सकते हैं और हर एक से क्या आ जाएगा ऑपरेशन कॉम्यूटेटिव। नेक्स्ट है कॉम्यूट 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5, पहले 2 स्टार 3 देखते क्या आएगा 2 स्टार 3 तो क्या आया 1, और 4 स्टार 5 क्या आ जाएगा 4 स्टार 5, ये भी कितना है 1, और 1 स्टार 1 भी क्या आ जाएगा हमारे पास 1 स्टार 1 1, तो ये क्या आ जाएगा 1। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन, हमें स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन दे रखा ऑन द सेट 1 2 3 4 5 डिफाइन बाई ए स्टार बी, अब ए स्टार बी का मीनिंग क्या दे रखा है HCF ऑफ ए एंड बी, इज द ऑपरेशन स्टार सेम एज द ऑपरेशन स्टार डिफाइन इन क्वेश्चन 4, आपको जो ये ऑपरेशन दे रखा है ये क्वेश्चन 4 में जैसा दिया होता बिल्कुल एज इट इज है, जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर को जस्टिफाई करो कि ए स्टार बी है HCF ऑफ ए एंड बी के इक्वल है या नहीं। अब ए इज इक्वल टू क्या है 1 2 3 4 5 एंड ए स्टार बी क्या है HCF ऑफ ए एंड बी, अब अप्लीकेबल करके देखते हैं 1 स्टार 1 इनका HCF क्या आएगा 1 आएगा, 1 और 2 का HCF क्या आएगा 1, 1 और 3 का HCF 1, 1 और 4 का HCF 1, 1 और 5 का HCF 1 आ जाएगा, 2 और 1 का HCF 1, 2 और 2 का HCF 2 आ जाएगा, 2 और 3 का HCF 1, 2 और 4 का HCF 2 आ जाएगा, 2 और 5 का HCF 1 आ जाएगा, तो हमारे पास बिल्कुल पूरी की पूरी अगर हम अप्लीकेबल करके देखते हैं तो हमारे पास HCF ऑफ ए एंड बी की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो क्या बोल देंगे वी ऑब्जर्व दैट द ऑपरेशन स्टार इज द सेम एज द ऑपरेशन स्टार इन क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन गिवन बाई ए स्टार बी इज इक्वल टू एल सी एम ऑफ ए एंड ए बी, हमें क्या दे रखा है कि ए स्टार बी का मीनिंग क्या एल सी एम ऑफ ए एंड बी, फाइंड फर्स्ट फाइंड करना है 5 स्टार 7
अब ए स्टार बी का मीन क्या दे रखा है, एलसीएम ऑफ ए एंड बी, तो 5 स्टार 7 क्या आ जाएगा, एलसीएम ऑफ 5 एंड 7 कितना आएगा 35। सेकेंड है 20 स्टार 16, 20 का मीनिंग क्या आएगा, एलसीएम ऑफ 20 एंड 16, 20 और 16 का एलसीएम क्या आ जाएगा 80। नेक्स्ट है इज स्टार कॉम्यूटेटिव, क्या स्टार कॉम्यूटेटिव है, तो देख दो ए स्टार बी क्या आ जाएगा, एलसीएम ऑफ ए एंड बी, और बी स्टार ए क्या आ जाएगा, एलसीएम ऑफ बी एंड ए। अब देखो 2 और 5 है, मान लिया 2 और 5 का एलसीएम कितना आएगा 10, और 5 और 2 का भी एलसीएम कितना आएगा, वो भी 10 आएगा, तो क्या आ जाएगा, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, ऑपरेशन स्टार इज ए कॉम्यूटेटिव। नेक्स्ट है इज स्टार कॉम्यूटेट एसोसिएटिव, क्या स्टार एसोसिएटिव है, ए स्टार ब्रैकेट्स बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार, इसका मीनिंग क्या आ जाएगा, एलसीएम ऑफ बी एंड सी, फिर हम इस पर भी अप्लीकेबल करेंगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम ऑफ ए बी एंड ए सी। सिमिलरली ए स्टार बी क्लोज बी स्टार सी, ए स्टार बी का मीनिंग क्या है, एलसीएम ऑफ ए बी एंड सी, अब दोनों हमारे पास इक्वल हैं तो क्या आ जाएगा, द ऑपरेशन स्टार इज ए एसोसिएटिव, जो हमारे पास ऑपरेशन स्टार दे रखा है वो कैसा है, एसोसिएटिव है। नेक्स्ट है फाइंड द आइडेंटिटी ऑफ स्टार इन एन, आइडेंटिटी फाइंड करनी है हमें स्टार की इन एन, एन मीन्स हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं, आइडेंटिटी ऑफ स्टार इन एन हमने क्या मान ली, 1, क्यों, क्योंकि बिकॉज ए स्टार 1, हमें आइडेंटिटी किसके लिए अप्लीकेबल करके दिखानी है, स्टार के लिए ए स्टार बी का मीनिंग क्या था हमारे पास, एलसीएम ऑफ ए एंड बी, अब कोई भी हमारे पास दो नंबर ऐसे कि उनका एलसीएम भी वही नंबर आ जाए, तो हमने क्या ले लिया, 1 ले लिया कि ए स्टार 1 क्या आ जाएगा, एलसीएम ऑफ ए एंड 1 वो भी क्या आ जाएगा, ए, तो जो ए है हमारे पास वो वापस ए के इक्वल आ गया, तो वो हमारे पास क्या हो गई, आइडेंटिटी इज 1। विच एलिमेंट्स ऑफ एन आर इन्वर्टेबल फॉर द ऑपरेशन स्टार, ऑपरेशन स्टार के लिए हमारे पास एन है वो इन्वर्टेबल है कैसे, ओनली द एलिमेंट किसके लिए, सिर्फ 1 के लिए, 1 के लिए अगर हम अप्लाई करते हैं तो हमारे पास फिर से 1 आ जाएगा, क्यों, 1 इन एन इज इन्वर्टेबल फॉर द ऑपरेशन स्टार, बिकॉज 1 स्टार 1 बाई 1 इज इक्वल टू 1 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, इज स्टार डिफाइन ऑन द सेट 1 2 3 4 5 बाई ए स्टार बी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी, ए स्टार बी का मीनिंग हमें क्या दे रखा है, एलसीएम ऑफ ए एंड बी, ए बाइनरी ऑपरेशन जस्टिफाई योर आंसर, ए हमें एलिमेंट्स दे रखे हैं 1 2 3 4 5 और ए स्टार बी का मीनिंग है एलसीएम ऑफ ए एंड बी, ए स्टार बी हमने अप्लीकेबल कर दिया है, अब हमारे पास जो बाइनरी ऑपरेशन दे रखी है, जो टेबल दे रखी है उसमें से हम जस्टिफाई करके देखते हैं कैसे, सबसे पहले हमने इसकी बाइनरी ऑपरेशन के लिए टेबल बनाई स्टार, एलिमेंट्स हमारे पास हैं 1 2 3 4 5, इधर भी हम एज इट इज एलिमेंट्स रखेंगे, अब ऑपरेशन क्या, एलसीएम ऑफ ए एंड बी, 1 स्टार 1, 1 और 1 का एलसीएम क्या आएगा 1, 1 और 2 का एलसीएम 2, 1 और 3 का एलसीएम 3, 1 4 एलसीएम 4, 1 5 का एलसीएम 5, 2 और 1 का 2 आ जाएगा, 2 2 का 2, 2 और 3 का 6, 2 4 का 4 और 2 5 का 10, 3 1 का 3, 3 2 का 6 आ जाएगा, 3 3 का 3 आ जाएगा, 3 4 का 12 और 3 5 का 15, 4 1 का एलसीएम 4, 4 2 का एलसीएम 4, 4 3 का एलसीएम 12, 4 4 का एलसीएम 4 आ जाएगा और 4 5 का एलसीएम 20। इसी तरह 5 के लिए अप्लीकेबल करके देखते हैं, अब ये बोल रखा है इन्होंने क्या स्टार है वो इस पे एप्लीकेबल है, अब ये तो हमने ले लिया, अब हमारे पास बहुत से एलिमेंट्स ऐसे हैं जैसे 12 है, 15 है, 20 है, 15, ये हमारे पास एलिमेंट्स कैसे हैं जो कि इसके अंदर नहीं दे रखे एलिमेंट्स, इसके अंदर नहीं है तो एप्लीकेबल भी नहीं है, तो क्या बोल देंगे यार, 2 स्टार 3 इज इक्वल टू 6 नॉट बिलोंग्स टू ए, जो 6 है वो ए से बिलोंग नहीं करता, सो द ऑपरेशन स्टार इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो ऑपरेशन स्टार है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.4, क्वेश्चन नंबर 1 to 7, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ओके, थैंक यू।